जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह मस्त होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ आप सभी से सूर्य ग्रहण को लेकर। परेशान मत होइए, बात पूरी सुन लीजिए पहले। 20 अप्रैल 2023 को यानी कि गुरुवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 7:05 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:30 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। इस सूर्य ग्रहण की अवधि कम से कम 5 घंटे 24-25 मिनट तक होगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा और ना ही भारत में रहने वाले लोगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, तो परेशान होने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हमारे व्यूवर्स सिर्फ भारत के नहीं हैं, बाहर के भी हैं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो पहले मैं सिर्फ भारत में नहीं पड़ेगा सिर्फ यही वीडियोस बनाती थी, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा परिवार बढ़ गया है तो ये वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। वैशाख अमावस्या पर इस बार एक ही दिन में 3 सूर्य ग्रहण दिखेंगे ऐसा कहा जा रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या बोला है, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। जैसे हम बोलते हैं ना हाइब्रिड सब्जियां, मतलब जबरदस्ती जिनको बढ़ाया जा रहा है, पैदा किया जाता है, हाइब्रिड सब्जियां, हाइब्रिड फूल, वो इसीलिए कहते हैं। तो वैसे ही इसको नाम दिया गया है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। तो साल 2023 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है, भारत पर इसका असर नहीं होगा और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस देश में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है वहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। सूतक काल वह अशुभ समय कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण से कुछ घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल एक अशुभ अवधि होती है। वहीं पर चंद्र ग्रहण में जब भी सूतक काल लगता है उसकी अवधि होती है 9 घंटे की, तो बहुत फर्क होता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा मैं वो आपको अब बता देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिए ताकि अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है तो आप उनको बता सकें, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अपना बहुत ध्यान रखना होता है। उनको क्या ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय आप घर से बाहर मत निकलिए, सूर्य की किरणों को अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चों की जन्म कुंडली पर भी प्रभाव खराब होते हैं, इनफैक्ट बच्चे पर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा नोट कर लीजिए, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, फिजी, जापान, कंबोडिया, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इसके अलावा सोलोमन, बरूनी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, वियतनाम और फिलीपींस जैसी जगहों पर हम इस ग्रहण को देखेंगे। तो क्योंकि भारत में नहीं पड़ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस दिन थर्सडे है तो अपने पितरों के नाम से तर्पण ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, पितरों के नाम से दान ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको सुखद परिणाम ही मिलेंगे, दुख कुछ नहीं होगा। तर्पण के लिए क्या करना है, अगर कुछ नहीं कर सके तो आप अपने पितरों के नाम से कुछ नहीं तो आज एक दूध का पैकेट लेकर या दही का पैकेट लेकर माथे से टच करके अपने पितरों को याद करके किसी भी गरीब को दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना करने से भी आप देखेंगे कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर बना रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी। सूर्य ग्रहण भारत पर नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।